कुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही, ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही, इसका परिचय सबको करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, आत्मस्मृति का तिलक लगा के अहंकार को दूर भगा के, आत्मस्मृति का तिलक लगा के अहंकार को दूर भगा के, ज्ञान का अमृत सबको पिला दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, यह तन पिंजरा पांच तत्व का, आत्म पंछी मूल वतन का, यह तन पिंजरा पांच तत्व का, आत्म पंछी मूल वतन का, जाना है घर सबको बता दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो।
अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। और स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं। अंतरचक्षु से स्वयं को देखो, ब्रुकुटी की मध्य में मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज मैं आत्मा शरीर के सर्व कर्मेंद्रिय के मालिक हूं, अधिकारी हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को ये देह और देह की कर्मेंद्रिय से ऊपर अपने परम धाम की ओर यात्रा पर ले चलते हैं। देह भान से स्वयं को मुक्त करते हुए मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं। एकदम हल्का स्वयं को महसूस करती हूं। सर्व कर्मेंद्रिय के लगाव से मैं आत्मा मुक्त होकर धीरे धीरे अपने वतन की ओर जा रही हूं। सूक्ष्म लोक से भी पार परम धाम में जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। अंतर चक्षु से स्वयं को उस दिव्य लोक में देख रही हूं। चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है। और मैं आत्मा सितारे के समान चमक
होती हुई दिव्य ज्योति हूं। महसूस करें अपने उस दिव्य स्वरूप को, एकदम हल्कापन, मैं आत्मा इस परम धाम में अपने असली स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित हूं। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। अपने चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। मैं आत्मा ज्ञानी तो आत्मा हूं, ज्ञान के दिव्य चक्षु से अपने असली स्वरूप को देख रही हूं। मेरा अनादि स्वरूप शुद्ध और पवित्र है। चारों ओर पवित्रता का प्रकाश फैला हुआ है। मैं आत्मा पवित्रता की शक्ति को स्वयं में महसूस कर रही हूं। इसी पवित्रता की शक्ति से मैं आत्मा बेदाग हीरा बनती जा रही हूं। इसी पवित्रता की शक्ति से कई जन्मों की खाद भस्म होती जा रही है। मुझ आत्मा का स्वरूप निखरने लगा है, मणि के समान चमक रही हूं।
इसी पवित्रता की शक्ति से मैं स्वयं में एकदम हल्कापन महसूस कर रही हूं। पवित्रता के प्रकाश से मैं अपने चारों ओर दिव्य प्रभा मंडल को विकसित करती हूं। इस दिव्य प्रभा मंडल में मेरा स्वरूप कितना निर्मल पावन है, ये निर्मलता प्रवाहित हो रही है। मेरी भावनाओं को शुद्ध कर रही है और मैं आत्मा प्रेम स्वरूप बनती जा रही हूं। सर्व आत्माओं के प्रति रूहानी प्यार प्रवाहित हो रहा है। धीरे धीरे मेरा मन शांत होता जा रहा है। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित मेरा स्वधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। शांति की शक्ति को महसूस कर रही हूं।
मन और बुद्धि एकदम शांत है। निर्विकल्प स्थिति है। शीतलता का प्रवाह चारों ओर फैल रहा है। शांत स्वरूप शीतल रूप है। मैं आत्मा हूँ।
स्वरूप में भरती जा रही महसूस करती हूं। इसी शीतल स्वरूप में सच्चा सुख समाया हुआ है। अति इंद्रिय सुख मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। आत्मिक सुख मैं स्वयं के स्वरूप में समाती जा रही हूं। सुख स्वरूप स्थिति की उत्कृष्टता परम आनंद की अनुभूति कराता है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप यह आनंद कितना अलौकिक है, दिव्य है। महसूस करती हूं इस आनंद के स्वरूप को।
आनंद के प्रवाह को स्वयं में समाती जा रही है। धीरे धीरे सर्व शक्तियों के स्वरूप में स्वयं को देख रही हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान सर्व शक्तियों का प्रकाश शक्तिशाली प्रभा मंडल को विकसित करता जा रहा है। और मैं आत्मा भीतर से स्वयं को सशक्त महसूस करती हूँ। स्वरूप मेरे मन के संकल्पों में शक्ति समाई हुई है। मेरी बुद्धि शक्तिशाली है। मैं आत्मा महसूस करती हूँ। मैं शांत हूँ, शुद्ध हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। शांति और पवित्रता की शक्ति में सर्व शक्तियां समाई हुई है। अंतर चक्षु से स्वयं को देखती हूँ। ये सातों गुणों का प्रभा मंडल मेरे चारों ओर फैला हुआ है। कितना सुंदर स्वरूप है मेरा। कितना निर्मल स्वरूप है मेरा। एकदम पावन रूप है।
धीरे धीरे ये सातों गुणों के प्रकाश को चारों ओर प्रवाहित करती हो। सुंदर महसूसता है, सातों गुणों से भरपूर मैं आत्मा सशक्त हो। धीरे धीरे मैं परम धाम से इसी स्वरूप में पृथ्वी की ओर शरीर में प्रकृति की मध्य में स्थित होती हूँ। और सातों गुणों के प्रवाह को सारे शरीर में हर कर्मेंद्रिय में प्रवाहित करती हूँ।
की याद रहेगी तब आंखों में समाया।